तो क्वेश्चन माला जा हो सबके ठीक बाकी मुंह से सुपारी निकल के बात कर रहे एम सॉरी oh, वो मैं कुछ और ट्राई कर रहा था वो गलती से कुछ और निकल गया <laughs> तो स्वागत है मित्रों तो इस गेम मित्र जो आज अपन खेलने वाले माइंड क्राफ्ट और ये है अपना एपशोर नंबर कोई बताएगा प्लीज क्या है एपशोर नंबर ओके okay, तो आई एम सॉरी गाइस क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया माफ कर दो यार नहीं तो मैं भाई हंड्रेड डे सर्वाइवल सीरीज बना रहा हूँ भाई इसलिए नहीं डाल पा रहा वीडियो आई एम सॉरी इसके लिए सॉरी ना भाई तुम लोग कर सकते हो माफ ठीक है तो चलो फिर आज आ जा रहे हैं अपन विदर को वक़्त रहो लेट्स को चलते भीतर को आने और फटाफट से मैं पूरा सामान इकट्ठा करता हूँ मिलता दो मिनट के अंदर बाकी तुम लोग मेरा घर देख सकते हो भाई मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए तुम लोग देखो तो भाई कितना प्यारा दिख रहा है पहले कैसे था और अब कैसा दिख रहा है भाई सच में अच्छा लग रहा मुझे है मुझे बहुत ज़्यादा ही ओके एक मिनट या क्या कर रहा है भाई हेलो घूमर घुमर खेल रहा भाई ये तो अलग ही से कर रखा है और हाँ अब मेरा फ़ोन लैग नहीं हो रहा और लैग क्यों हो रहा था वही दिखाता हूँ क्योंकि भाई जो मेरे आर्मर्स थे ना पे मैंने सब सजा रखे थे उसकी वजह से मेरा फ़ोन इतना लैग हो रहा था और मैं इन सारे आर्मर्स को तोड़ के फिर इसमें सेव करा दिया क्योंकि भाई ये लैग हो रहा था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग था। तो नहीं था, मतलब रहा था अब तुम लोग देख सकते हो मेरा फ़ोन एकदम मतलब धन दराधन से चल रहा है भाई और हाँ आई एम सॉरी इसके लिए कि मैं कल वीडियो नहीं डाल पाए आराम सॉरी देखो भाई मैं बना रहा हूँ वीडियो इस चीज़ की अपनी जो हंड्रेड डेज सेवन सीरीज है ना उसको एडिटिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है तुम तो लोग को अंदाजा भी नहीं है छः घंटे से भी ज़्यादा मुझे टाइम लगा है वीडियो बनाने में और पूरा दिन कम से कम मेरे को तीन दिन लगा है उन सबको बनाने में तो भाई टाइम तो लगेगा ना तो चलो फिर फटाफट से पूरा सामान इकट्ठा करते हैं मिलते हैं दो मिनट के अंदर ओके okay, तो मैंने काफ़ी हद तक पूरा सामान इकट्ठा कर, कर लिया तो लोग देख सकते हो मैंने आ, मतलब आ, अपना ऑप्शी में सब कुछ ले लिया ले, हाँ लेकिन ऑप्शन मुझे बीच में में थोड़ा बहुत और लेना पड़ेगा मुझे माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा पूरा ऑप्सीडन खत्म हो चुका है तो देखो भाई मैं तीनों साइड जा चुका हूँ लेकिन ये साइड कभी नहीं गया तो चलो फिर इधर को चलते गए स्ट्रेट वो भी कम से कम जितना दूर हो सके उतना दूर जाएंगे पन लेकिन आज तो भाई अपने को सनफ्लावर लेके आना है ठीक है तो लेट्स को चलते हैं भाई मैं थोड़ी दूर आया था बस मेरे को यहाँ पे एक रोहिंग पुटर मिल गया भाई <laughs> किस्मत सही है ब्रो ओके तो फटाफट चलते हैं उसको लूट लेते हैं ओके तो तुम लोग अभी का मेरा कोऑर्डिनेट देख सकते हो कितना है सत्रह सौ आ चुका हूँ माइनस छः सौ पे मैं सत्रह सौ पर आ चुका हूँ इतना दूर आके मेरे को एक वो मिला है आ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं आ, पता नहीं नाम बोल चुका हूँ लेकिन आई होप यार यहाँ पे आज तक मुझे कभी डायमंड नहीं मिला प्लीज़ भगवान इस बार डायमंड दे दो प्लीज़ भाई लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पहले चेस में डायमंड मिल रहा ब्रो लिटरली मतलब मुझे पता है कि मेरी डायमंड की कोई कीमत नहीं है लेकिन लक देखना था भाई मेरे को मेरा लक काम करता है कि नहीं करता लिटरली एक डायमंड मिल गया भाई हाँ वैसे अगर पहले मिलता स्टार्टिंग में तो मेरे लिए एक सवाल बन जाती जो कि मेरे लिए बहुत बेस्ट था सही है भाई पहली बार डायमंड मिला कुछ ही है और हाँ एक चीज़ और दिखाना था यहाँ के मिलियर्स देखो भाई इनके बेशभूषा अलग है यार अलग इन्हें से कर रखे देखो ना ये थोड़ा वो ब्रूट पिलिंग होता है ना उनके तरीके से इनका देखो ये पीला और ब्लैक तो मतलब थोड़ा सा ना कॉम्बिनेशन वो उस टाइप का भाई ब्रूट वो जो बहुत गंदा मारते हैं एक्सेस से उनकी तरह लग रहा है चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आई डोंट नो अब तक मुझे कुछ नहीं मिला है आगे चल के देखते हैं क्या सीन होता है आ यार <laughs> मैं सर मिलाते चल रहा है ओके तो फलावर चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे मेरे को जाना है लिटरली वो एक एक्सपेंसिव चीज दिखाऊं तुम लोग ये देखो और मेरा कोऑर्डिनेट देखो 200 मतलब 207 हाइट पे हूँ पूरा बादल को नीचे कर चुका हूँ और इतना ऊपर ये ब्लॉक लगा हुआ है लिटरली ये मतलब मैंने जान मच के नहीं लगाया अपने आप से था भाई लिटरली 200 ऊपर हाइट ब्लॉक मेरे ख्याल से अब तक का ये सबसे ऊंचा माउंटेन होने वाला है लिटरली सबसे ऊंचा दो भाई इतना इजी भी नहीं है यहाँ पे एम्ब्रायड में सब पूरा कोल वूल सब पड़ा है मैंने सोचा उसको तोड़ लो फिर सोचा छोड़ो ना भाई ये जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है तो छोड़ो ना फिर रहने दे देते इसको अच्छा लगेगा अपन इसको बनाएंगे भाई अ, मतलब देखेंगे क्या सीन है मुझे नहीं पता बस अपन चलते अपने काम पे ध्यान देते भाई जो मेरे को सामान लेने वाले लेने चलते ना फालतू टाइम की वेस्ट करना चलो फिर फटाफट से सनफ्लावर ढूंढ के मिल जाए दो मिनट के अंदर भाई ओके okay, रात को मैं यहाँ पे आके सो गया था मैं एक ना वो वाली वैली में आया जहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं आई होप यार यहाँ पे फ्लावर्स मिल जाए भाई प्लीज़ यार एटलीस्ट एक फ्लावर्स चाहिए मेरे को ताकि मुझे उसका डायरेक्शन पता कर सकूँ भाई यार लिटरली बहुत इशू हो रहा है एक सेकेंड मुझे कुछ नीचे दिख रहा है भाई यहाँ पे सनफ्लावर है लेट्स गो भाई काफ़ी सारे बंदूक लग रहा होगा भाई ने क्रिएटिव सिलाई तुम लोग मेरा कोऑर्डिनेट देखो भाई चार हजार पाँच सौ ब्लॉक दूर आया हूँ तब जाके मेरे को ये सनफ्लावर मिला लिटरली भाई यार सच में भाई बहुत मुश्किल था बट फाइनली मिल गया ओके यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ ले लूँ बट ठीक है रेड वाला आई थिंक मेरे पास नहीं है तो इसका हम करते इसको ले लेते हैं ढेर सारे है। अपने में रखते हैं अपने घर के आगे सजाएंगे सब कुछ लिटली ब्रो इतना दूर आके तब जाके मेरे को सनफ्लावर मिल रहा है सनफ्लावर के लिए मुझे कहाँ तक आना पड़ा है तुम लोग देख सकते हो भाई ओके तो बड़ा बड़ा वीडियो को लाइक कर लो और चैनल अपनी हो या से सब्सक्राइब कर दो लात लात बोल रहा था भाई मैं <laughs> ओके तो अब चलते घर को और देखते अपने को कितना टाइम लगता है घर जाने में फटाफट से पढ़ते ए, चलते हैं पढ़ते हैं भाई मैं क्या बोला आजकल ओके okay भाई फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूँ लिटरली थोड़ा सा हालत ख़राब हुआ बट ठीक है जैसा भी है सही है अपन इजीली पहुंच चुके हैं अब बस मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान जो है फालतू आ है उसमें अभी आपको शिफ्ट कराना है और फिर जो मेन मेन सामान है उसको ले निकलते हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग हॉल की तरफ क्योंकि अपने को जाना है नदर में सर नदर कराऊँ इसलिए मेरे स्ट्रॉन्ग हॉल में एन में, में और एन से अपना वेदर को पीटना स्टार्ट करते हैं चलो फिर फटाफट से पूरा सामान अरेंज करके मिलते हैं ओके okay, तो तुम लोग मेरी इवेंट्री देख सकते हो मैंने जो जो मेन मेन सामान था ना वो सारा सारा रखवा लिया बोन वन बोन मिल सब कुछ और एक रेड मशरूम सारा सारे चीज़ सामान रखवा लिया मैंने और मैं सोच रहा है कि यहाँ पे रखवा देते हैं और बाकी सारा चेस में रखवा दें क्योंकि भाई अगर मैं पूरे की जरूरत है नहीं मुझे बस एक की ज़रूरत है तो एक काम कर दे एक वाला इसमें चेस में रखवा देते हैं और बाकी इसमें रखवा देते हैं ठीक है मतलब बाई चांस अगर वो मतलब कहीं खो जाता है तो अपने को बार बार दोबारा जाननी पड़ेगा भाई पैंतालीस सो ब्लॉक दूर जाना इतना ईजी भी नहीं होता हालत खराब हो जाएगी स्पलेटली ओके तो लेट्स गो चलते हैं स्ट्रॉन्गेल के बाद वहाँ पर मिले दो मिनट के अंदर ओके तो लेट्स गो अब चलते भाई इसके अंदर भाई मुझे नहीं पता कहाँ पे जाना पड़ेगा मेरे को बट ठीक है चलते बटाउट से ओके तो अपन स्पॉन होने वाले हैं ओके बहुत ख़तरनाक स्पॉन मिला मेरे को चलो फिर चलते लगे अपने इन, इन, इन सिटी में शायद हाँ मुझे इस जगह को थोड़ी सा ठीक करना पड़ेगा कि भाई गलती से अगर कहीं पैर फिसलाना भाई अपन डायरेक्ट जाएंगे वॉइड में जो कि मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है लेट्स गो मारते हैं एंडपॉल और oh लेट्स गो अपन आ चुके हैं स्पॉन ओके okay, तो अपन का यहाँ पे तो देखो मैं इस वाले को ख़राब नहीं करना चाहता मैं सोच रहा हूँ किसी दूसरे वाले को यूज़ करते हैं ताकि अपना ये बचा रहे ताकि अपन ईजिली इसमें से आ, आ जा सके भाई ये क्योंकि हमारा अपना स्पॉन पॉइंट हो चुका भाई ये ओके तो लेट्स गो फटाफट से कोई फटाफट से ढूंढते हैं और फिर हम अपने अपना फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं वो okay, के काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ ढूंढा लेकिन अब तक मुझे कोई नहीं मिला आई होप प्लीज़ भगवान यार इतना मत करोगे फाइन okay, एक मिला भाई ये बहुत बढ़िया जगह पे है क्योंकि ये अपना वाइड के आसपास नहीं है मतलब एकदम खाली जगह मैं थोड़ा इजी होगा अपने लिए लेट्स गो फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे को थोड़ा बहुत टेम्प्रेरी ब्लॉक्स चाहिए जो कि मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे भाई मेरे पूरा ही खर्च होने वाला है ओके तो मैंने एक प्यारा सा ब्रिज बना लिया अपने लिए अब क्या करना मेनली आपको बस इसके ऊपर जाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे अपन ब्रिज करके जा सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे अपना एक नॉर्मली डॉट और इसके ऊपर जाएंगे सनफ्लावर और इसका फेस देखना फेस इसका इधर को जा रहा है यानी लेफ्ट को जा रहा है इधर को जा रहा है ठीक है देख सकते हो इधर को जा रहा है इसका मतलब जस्ट इसके पीछे अपना जो विदर होगा वो स्पॉन होगा ठीक है लेट्स गो ये हो चुका है अब बस मुझे इसके आगे वाला काम कंप्लीट करना पड़ेगा पहले इसको तोड़ना पड़ेगा यार ये मैंने छोड़ के दिया इतना सब करने के बाद आपको आ जाना है कैजुअली नीचे और सामान मत आपकी मर्जी है आपकी मर्ज़ी के ऊपर है तो आपको नॉर्मली कुछ थोड़ा सा ब्रिज करके ऊपर जाना पड़ेगा ताकि आप नमन उसके स्पॉन वाले पॉइंट के पास आ जाओ बस यहाँ पे आपको लगाना है दो डॉट इसके पीछे का डॉट तोड़ देना क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ इसके ऊपर लग जाएगा अपना रेड मशरूम उससे पहले आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा ठीक है लेकिन उससे पहले काम करते हैं पहले अपना ऑप्सीडियन वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं सॉरी ऑप्शन वाला कह रहा हूँ उसके ऊपर टेम्प्रेरी ब्लॉक वाला क्योंकि देखो उसके ऊपर भी एक टेम्प्रेरी ब्लॉक लगेगा वो जो मैं दिखा रहा हूँ रुक जाओ दो मिनट में पहले यहाँ पे आपको ब्रिजिंग करके ऊपर जाना है ठीक है और इसके ऊपर लग जाएगा कम से कम तीन हाइट ठीक है तीन हाइट ब्लॉक फिर उसके जस्ट सामने दो हाइट ठीक है तो हो जाएगा तीन और फिर इसके आगे दो तो एक और ये दो लग चुका है अब इसको तो कैजली तोड़ देना एक को छोड़ के जिस पे खड़े उसको छोड़ के बाकी सबको तोड़ देना ठीक है वो क्या करेगा वो मशरूम को ना आगे मतलब ज्यादा बड़ा करने से भी आई थिंक रोकता है आई थिंक डोंट थिंक कि वो क्या करता है बट आई थिंक सो सारे यही रीजन हो मे बी ठीक है जो भी बताओ मुझे नहीं पता बट अपन बनाएंगे भाई जैसा अभी तुम लोग बस देखते जाओगे क्या क्या हो रहा है तुम बस मुझे अब यहाँ पे लगाना है अपना रेड मशरूम उससे पहले जगह को थोड़ा सा क्लियर कर देते ताकि अपना जो रेड मशरूम हो बिना किसी इशू के जल्दी से ग्रो जाए ओके तो मुझे लगाना अपना रेड मशरूम यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा अपना बोन मिल अब यहाँ पे लगाएंगे अपना रेड मशरूम और इसको मारते हैं बोन मिल फटाउट से लेट्स गो ओके प्लीज़ ओके फाइन अपना रेड मैशन बड़ा हो चुका है यानी अपना स्पॉन पॉइंट जो अपना ये पोर्टल एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो चुका है एक्टिवेट की जगह तो अब इसको अपन फटाफट से तोड़ लेते हैं और लगे आते इस ब्लॉक को भी तोड़ देते हैं ओके ये हो चुका है अब इस डर्ट को भी तोड़ना पड़ेगा मेनली वैसे इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं बट फिर भी तोड़ देंगे तो अपने लिए फायदेमंद होगा और इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं भाई मतलब क्या पता जरूरत पड़ जाए <laughs> ओके ये हो चुका है अब बस इसके ऊपर वाला काम करना है इसके ऊपर लगाना पड़ेगा आपको चार कम से कम चार या फिर नहीं पाँच ऑप्शीडियन जाएगा पाँच ऑप्सीडियन ठीक है फटाफट चलते हैं ऊपर और दिखाता हूँ भाई आपको पाँच ऑप्सीडियन लगाना कैसा है ठीक है तो नॉर्मली आपको ऑप्शन लेना है और सबसे पहला आप इसके ऊपर जाएगा दूसरा जगह यहाँ पे तीसरा जगह यहाँ पे चौथा जगह यहाँ पे और पांचवा जगह यहाँ पे इनको आप जितनी बार भी इधर को मारोगे ना उतनी बार ये लगाना कंपलसरी है ये चीज़ का रखना कंपलसरी है और जैसे इसके आगे आपको लगा देना अपना जो ए, देखो स्टार्टिंग में मैंने वो दिखाया था ना कि अपना सनफ्लावर का फेस किधर जा रहा है तो उसी हिसाब से लेकर आपको इधर का पूरा एरिया बनाना पड़ेगा तो कम से कम इधर पाँच ब्लॉक जाने वाले तो पहला हो जाएगा एक ये दूसरा ये तीसरा ये और चौथे लग जाएगा चौथे के साइड में एक ब्लॉक दूसरे साइड में ये ब्लॉक और एक पांचवा ये लेट्स लैफ्स को यही हो चुका है अब बस मुझे यहाँ पे एक विदर स्पॉन करना है बाकी अपना पूरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है इससे पहले एक और काम यहाँ पे भाई ऑप्शन नहीं लगाना बोलेगा तो गलती से मैं ओके तो ये भी लगा लेते हैं ये हो चुका है यहाँ पे भी हो चुका है और यहाँ पे भी हो चुका है इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि भाई आप बिना ऑप्शन लगाए तुम स्पॉन किए तब तो वो बाहर आ जाएगा और अगर ऑप्शन कर रहे हो तो भाई तुम तो तुम प्रो हो ठीक है मान लेना है इस चीज़ को ओके अब बारी ये विदर को स्पॉन करने की अब देखना यह कि यह वर्क करता है सच्चे बताऊँ मैं नहीं ट्राई किया अब तक भाई वैसे मत करना कि खुद तो ट्राई नहीं किया और हमें सिखा रहा है ठीक <laughs> है देखते क्या सीन होता है मैं एक एक वाला बाद में लगाऊंगा थोड़ा सा दूर जाने के बाद डर लग रहा है भाई <laughs> ओके मैं रेडी ओके फाइन भागो 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 थोड़ा दूर ओके नहीं भाई फंस गया लिटरली तुम लोग देख सकते हो भाई मजाक चल रहा है ओके फाइन फाइन ओके लेट्स गो विदर फस चुका है पूरी तरीके से फस चुका है अब इसको फिर सकते हैं अपन एक मिनट तो मर क्यों नहीं रहा एक मिनट ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा ओके नीचे इसके पिछवाड़े पे मार सकते हैं ओके भाई डैमेज हो रहा है ये डैमेज हो रहा है यानी अपने को बहुत जल्दी मिलने वाला है लिटरली मैंने पाँच एक मिनट थ्री जाए थी जाए भाई मेरे को साथ मिल सकता है लिटरली सॉर स्टार में सॉरी विदर स्टार मिल सके विदर स्टार बोलते हैं आई डोंट थिंक क्या बोलते हैं उससे आई थिंक विदर स्टार बोलते हैं साथ मिल सकता है भाई लिटिल लेट्स को अपन पूरे विदर को मार के जाएंगे पूरा ये जितने भी स्पॉन हो सकते हैं उन सबको मार के जाएंगे भाई लेट्स को ओके फाइन एक मिनट ये बच गए ये मर कैसे मरेंगे भाई आ जा भाई स्टार जो भी हो तेरा नाम मिल जाए भाई एक मिनट शायद मुझे वो साइड जाना पड़े इनको मारो पहले तुम मारो सालो ओके लेट्स गो ये मिल गया अच्छा सॉरी एक ब्लॉक थोड़ा दूर है एक काम करते हैं अपने यहाँ पे ब्रिजिंग कर ले थोड़ी सी ज़्यादा ब्रिजिंग कर लेते हैं एक यहाँ पे और आई थिंक एक और लगाना पड़े कोई बात नहीं अपन जंप करके चले जाते हैं प्यारा से जंप चलो मिल गया ओके okay, तो अपने आ चुका है नेदर स्टार हो भाई फाइनली पहला स्टार मिल चुका है एक मिनट मेरे को एक विदर हेड मिला ब्रो ओह भाई क्या किस्मत है तुम लोग देख सकते एक को मैंने मारा और एक मिल भी गया लेकिन एक मिनट एक नहीं मिला भाई आई थिंक मुझे दो मिला है हाँ ना क्योंकि भाई तुम लोग देखो ना मेरे पास ऑलरेडी बीस था बीस में मैंने तीस यूज किया मेरे पास सत्रह बचना चाहिए सत्रह की जगह मेरे पास उन्नीस है क्या मजाक चल रहा है ओके लेट्स गो फाइन लेट्स गो ब्रो मैंने पूरे वेदर्स को मार के टोटल सात नजर स्टार मैंने कलेक्ट कर लिए आई नो मैंने काफी सारे वर्ड्स गलत बोले सॉरी माफ कर देना <laughs> ठीक है तो मैंने सात नजर स्टार कलेक्ट कर लिए अब चलते भाई घर को भाई मज़ा आ गया लिटली बहुत मजा आया लिटली भाई मेरे को मतलब देखो अब तक मैं किसी भी वेदर को नहीं मार पाया था लिटली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार वो जहाँ पे अपना वो होता है इंडर ड्रैगन वाला एग उसके उस वाले बेडोक के नीचे भी मैंने उसको फंसा के मारा वो वहाँ से तोड़ के निकल जाता था भाई लेकिन यहाँ से भाई इसका निकलना नामुमकिन था भाई तुम देखो ना नीचे भी फंस गया बिचार ऊपर फंस गया अब वो करे तो करे क्या और हाँ मैं यहाँ से कोरस फ्रूट लेके जा रहा हूँ क्योंकि भाई अपने वर्ल्ड में इसको उगाएंगे भाई ठीक है थोड़ा सा अच्छा दिखता है तुम देखो ना कितना प्यार दिखता है देखने को ओके लेट्स गो फटाफट से इन सबको इकट्ठा करते हैं और फिर निकलते हैं घर को ओके लेट्स गो मैं आ चुका अपने स्पॉन पॉइंट के पास और मारते हैं एंडल ओके ओके ऊ तरी ओ तेरी भाई, भाई 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 आराम से आराम से होली होले होली 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 सा धीरे धीरे भाई मेरी अब तक मेरी कमर टूट चुकी थी भाई मैं यहाँ पर गिरने वाला था ओके क्रॉच कर चुके अपन फटाफट से ब्लॉक लगाते थोड़ा सा ब्लॉक लगा देते हैं भाई अगर मैं मान लो कहीं एक बार आया और गलती से कहीं वॉइड में छलांग लगा दे तो हालत खराब हो जाएगा भाई ओके तब चलते घर को भाई मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना लेट्स गो अपन जम मार के चलते अंदर शू ओके okay, प्लीज कुछ बढ़िया स्पॉन देना <clears throat> भाई स्पॉन हो जाए यार भाई यार मैं गलती से कहीं और इस्पोन हो गया था तो मैं फटाफट से लेटर लैटर मार के अपना यूज़ करके आया लेट्स गो अपन घर पहुंच चुके हैं चलो फिर फटाफट से पूरा सामान अरेंज करते हैं और फिर मिलते हैं दो मिनट के अंदर क्योंकि अपने को यहाँ पे अभी के अभी जस्ट अभी के अभी वो बनाना एक अपना आ, बीकन ठीक है चलो फिर मिलते हैं दो मिनट के अंदर सो so फाइनली भाई लोग मेरे पास आ चुका है टोटल सात नेटे स्टार अब एक फटाफट से इनको सबको क्राफ्ट कर लेते हैं आ, मेरे को चाहिए ऑप्शी यहाँ से मिल जाएगा लेट्स को ऑप्शिडियन हो गया और मेरे को चाहिए ग्लासेस जो आई थिंक मुझे यहाँ पे मिल जाए ओके okay, इसमें है काफ़ी सारे ग्लास है भाई तुम लोग देखो ना इतना सारा ग्लास है भाई कितना चाहिए ओके तो फटाफट से क्राफ्ट कर लेते हैं पूरा बीकन यहाँ पे जाएगा यहाँ पे एक छः बन रहे भाई एक बच ओके ऑप्सिडियन कम पड़ गया यार एक ओके कोई ना मेरे उस वाले फार्म के पास ऑप्सीडियन पड़ा होगा आई थिंक सो भाई यार अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो भाई लिटरली मुझे जाना पड़ेगा दोबारा से माइनिंग के लिए जो कि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता ओके फाइन भाई परफेक्ट एक ऑप्शी पड़ा हुआ अच्छा भाई हाँ मतलब वो जो मेरा फिश फार्म ख़राब हुआ था तब तो वो उसमें का बचा हुआ था ओके okay, तो इसको भाई क्या करते हैं ओके okay, टोटल हो चुके मेरे पास छः सात वीकन सात वीकन लिटली सेवन एस ई वी ई एन सेवन बाई सेवन बीकन अपने पास लेट्स गो बाई ओके तो मैंने सारे एमरेड्स के ब्लॉक बना लिए हैं फटाफट से काम करते हैं आई मिन सब को प्लेस करते हैं एक जगह और बनाते हैं अपना बीकन बाई ओके okay, तो मेरे पास एमरेड की थोड़ी सी कमी पड़ गई थी दैट्स वाई मैं जो गया थोड़ा सा ट्रेडिंग करें ट्रेड करके इतने सारे एमरेड लेके आया हूँ चलो फटाफट से इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपना बीकन कंप्लीट करते हैं ओके लेट्स गो ये हो चुका है अपना बिकन पूरा कंप्लीट अब बस यहाँ पे एक लगाते हैं बीकन लेट्स गो भाई अपना पहला बिकन आ चुका है अब इसमें अपन लगाएंगे देखते हैं प्लीज़ यार अच्छा वाला ओके okay, फाइन इसमें लगाते हैं अपना आ, स्पीड ठीक है स्पीड ज़्यादा बेस्ट आएगा लेट्स गो अपने को स्पीड मिल चुकी है फाइन लेट्स गो ब्रो भाई क्या स्पीड मिल रही है भाई तुम लोग देखो नॉर्मल स्पीड से मैं ज़्यादा स्पीड भाग रहा हूँ जो भी बहुत मस्त लग रहा है भाई और कहते हैं फाइनली भाई लोग आप लोग को वीडियो कैसे लेके जो बताना वीडियो चलिए वीडियो को लाइक चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब कर देना आज से और हाँ आप लोग बताना कि भाई तुम लोग को ये वेदर मतलब वेदर वेदर को मारने का तरीका कैसा लगा मुझे तो भाई बहुत पसंद आया सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया लिटरली भाई इतना ईजीएस्ट मारना इतना भाई इम्पॉसिबल था था ये लेकिन भाई इसको मारना बहुत ईजी हो चुका है अब भाई कोई भी पीट पार देगा इसको बस आप लोग को ये अपना एक पोर्टल ख़राब करना पड़ेगा वो बात अलग है चलो फिर वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना और बाय बाय टाटा गुड डे सब्सक्राइब कर दो चलो फिर